बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट जो है वो रिन्यू नहीं होगा और वो कैंसिल तसव्वुर किया जाएगा 16 फरवरी से। जी शेख साहब, एक तो जो नवाज शरीफ है, आप उनका पासपोर्ट है 16 फरवरी को कैंसिल हो रहा है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो जनरल मुशर्रफ हैं, उसको डीसी अदालत ने गद्दार करार दिया हुआ है, उसको लाने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? मैं बतौर वजीर दाखला, जनरल मुशर्रफ काफ़ी बीमार है मेरी इतला के मुताबिक, और नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट जो है वो 16 तारीख को ख़त्म हो रहे हैं और मेरे पास जो इख्तियार है मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तौबा 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 तौबा। मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तान फौज का तर्जमान हूँ, कोई राग एजेंट नहीं हूँ। मैंने मैं किसी इदारे का तर्जमान नहीं हूँ। तौबा 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 तौबा। ऐसी और सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं कि जिस बात पे आज सारा ओवरसीज पाकिस्तानी खुश है कि नवाज शरीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट के हक दिलाया और वो वोट में पार्टिसिपेट करने का। मैं आपको दावे से कहता हूं कि आज ओवरसीज पाकिस्तान में जो आपको अल्लाह ताला ने मकबूलियत दी है, इसका कोई आपका मुखालिफ अंदाजा भी नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान को तवाना, तरक्की, सेहतमंद, मजबूत और आपके इक्तदार को मजबूत तरीन देखना चाहते हैं। इनको ये एहसास है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिवाइवल चाहता है। इनको ये बताने की जरूरत नहीं जनाब वजीर आजम कि जब आप तशरीफ लाए स्टॉक एक्सचेंज की क्या पोजीशन थी। इनको ये बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं रात देख रहा था ये यहां से बैठ के जनाब हांगकांग और बैंकॉक कहां कहां अपने रेट्स पूछ रहे थे, करेंसी की रेट्स क्या है। सो इनको सब इनको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज में आपने कितना रिजर्व में इजाफा किया, अफरात रिजर्व में कितनी कमी हुई। ये आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी के दिलदादा हैं और ये मेरी मिनिस्ट्री को मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि पहले इनकी कोई ऐसी तरबियत नहीं थी, ये सिर्फ कॉलोनियों बनाने का इनका तजुर्बा था नाकाम। सियासत हम उस वक्त करते हैं जब आपकी क्यादत में अल्लाह ने आपके वर्कर्स को वो हिम्मत दी है कि वो मुखालिफ की आंख में आंख डालकर बात करने की जरूरत रखते हैं। मैं आपका तह दिल से मशकूर हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह ने अगर हिम्मत दी, अगर अल्लाह ने तौफीक दी, तो हर बुरे और अड़े और कड़े वक्त में धूप साए बारिश तूफान आंधी में आपके साथ खड़े होंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।